वेलकम इन दिस क्लास. दिस न्यू चैप्टर इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ईच ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड, वेदर इट इज ए प्लांट, एन एनिमल और ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेज, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इज यूनिक इन इटसेल्फ. दीज यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द डाइवर्सिटी अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स पाए जाते हैं, वो या वायरस हो, बैक्टीरिया हो, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो, प्रत्येक में एक यूनिकनेस है, सब में एक अलग पहचान है ना. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी. ये डाइवर्सिटी के आधार पर ही ये संभव हुआ है. द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज ए कॉन्शियस फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कॉन्शियस फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी. इट वॉज क्वाइंड बाई वाल्टर जी रोसन इन 1986. और ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, यह दिया गया है वाल्टर जी रोसन के द्वारा. बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द डाइवर्स और वैरिड फॉर्म्स ऑफ लिविंग बींग्स विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन एक्सटर्नल अपियरेंस, साइज, शेप, कलर, पैटर्न, इंटरनल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, हैबिटेट इटीसी. बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफर करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ साइज, कलर, पैटर्न, इंटरनल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, हैबिटेट एंड सो मेनी थिंग्स. करंटली देयर आर 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म्स. आज यहाँ इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म्स है, ऑल ऑफ विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जो कि प्रत्येक एक दूसरे से डिफरेंट है. जैसे कि आपका कलम जो है, पेन जो है, कॉपी से डिफरेंट है. और पेन में भी बहुत सारे पेन हैं, टाइप्स हैं. कॉपी में भी बहुत सारे टाइप्स के कॉपी हैं. आपका लैपटॉप अलग चीज़ है तो टीवी अलग चीज़ है. ठीक उसी तरह से ऑर्गेनिज्म्स में भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं. और अप्रॉक्स 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म्स हैं. दे रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, हार्डली ए फ्यू माइक्रोमीटर्स इन साइज, टू ब्लू व्हेल, अबाउट 30 मीटर इन लेंथ, एंड रेड वुड ट्रीज, सिकोया ऑफ कैलिफोर्निया, अबाउट 100 मीटर इन हाइट. और इनका जो साइज का रेंज है वो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर के वो चीज जो कि आंखों से दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, वहां से लेकर के इसकी साइज जो है वो बहुत बड़ा ब्लू व्हेल भी है, जो कि करीब 30 मीटर लंबा है. उसी तरह से रेडवुड ट्री जो है वो 100 मीटर हाइट के भी हैं. सम पाइन ट्रीज लिव फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, व्हाइल मेनी इंसेक्ट्स सच एज मॉस्क्यूटो हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू डेज. कुछ पाइन ट्रीज हैं, कुछ पेड़ हैं जो कि हजारों वर्ष जीवित रहते हैं. वहीं पर कुछ कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, मॉस्क्यूटोज हैं, जो कि कुछ ही दिनों में उसकी जीविका होती है और कुछ ही दिनों में उनका लाइफ स्पैन होता है. और विद इन फ्यू डेज सी ही या सी या इट डाई. द डाइवर्सिटी एक्सटेंड्स टू हैबिटेट, हैबिट्स, न्यूट्रिशन, फॉर्म्स, इटीसी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. और डाइवर्सिटी जो एक्सटेंड करते हैं वो उसके हैबिटेट्स, हैबिट्स, न्यूट्रिशन, फॉर्म्स, इटीसी पर. ए फ्यू ऑफ द प्रेजेंट डे लिविंग फॉर्म्स आर इवॉल्व्ड वर्सन्स ऑफ लिविंग बींग्स दैट हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर द पास्ट 3.5 बिलियन ईयर्स. और इस धरती पर बहुत सारे ऐसे भी लिविंग बींग्स आज मौजूद हैं जो आज से करीब 3.5 बिलियन ईयर्स से वो पहले इस धरती पर एग्जिस्ट करते थे. वी आर फेमिलियर विथ मोस्ट ऑफ द कॉमनली नोन एनिमल्स एंड प्लांट्स,
But the fauna and flora biota of inaccessible areas of forests, mountains, deserts, depths of oceans, etc. are largely unexplored. आज हम लोग बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जानते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना हैं, बायोटा हैं, जो कि आज भी उनकी स्टडी हम लोग नहीं कर पाए हैं, वहाँ पहुँच नहीं सके हैं। इसका मतलब अभी भी बहुत सारे लिविंग बींग्स जो हैं वो हमसे अनजान हैं। In fact, it has been calculated that about 92% of biota of the world is still unexplored. करीब 92% जो बायोटा है जो पूरे इस वर्ल्ड में वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, उसे हम लोग नहीं जानते हैं। टाइप्स ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी। Each community has a variety of species, some of which are rare, while others are common. Thus, no community consists of species which are present in equal abundance. आज भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जिसमें कुछ स्पेसीज दो हैं वो तो एकदम रेयर टू हो गए हैं, या कुछ तो रेयर टू रेयर हो गए हैं, और बहुत सारे तो कॉमन हैं, जनरली देखे जाते हैं। The following types of species diversity can be described. Number one, point diversity. This is a diversity present on the smallest scale. Point diversity क्या होता है? वह diversity जो कि smallest scale में पाया जाता है, smallest scale पर पाया जाता है, that is the diversity of micro habitat. Alpha diversity, also known as local diversity. Alpha diversity का second name है local diversity. And includes variety of organisms local to a particular habitat. Third है gamma diversity. It represents the diversity of a larger unit such as an island or landscape. Fourth है epsilon diversity. It is also called regional diversity and includes total diversity of a group of gamma diversity areas. जैसे कि आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ए सिंगल प्लांट में कंसिडर्ड एज ए यूनिट ऑफ अल्फा डाइवर्सिटी। अगर हम लोग समझे कि एक प्लांट जो है इसी को पूरा एक जीवन माने, तो इस इतना ही दुनिया किसी का है, तो वो है आपका अल्फा डाइवर्सिटी। जैसे कि कुएं में पड़ा हुआ मेढक, उसकी पूरी जीविका जो है, पूरी लाइफ स्पैन जो है वो कुएं में ही गुजर जाती है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्फा डाइवर्सिटी। ए लीफ एज एन एरिया ऑफ पॉइंट डाइवर्सिटी, और लीफ है और किसी लीफ पर ही किसी जीव की पूरी जीविका गुजर जाती है, पूरी जिंदगी गुजरती है, पूरी लाइफ स्पैन गुजरती है, तो दिस इज पॉइंट डाइवर्सिटी। ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑक्यूरिंग टूगेदर एज एन एरिया ऑफ गामा डाइवर्सिटी, और गामा डाइवर्सिटी जस्ट लाइक ए स्मॉल विलेज या स्मॉल एरिया, दैट इज गामा डाइवर्सिटी। एक छोटे से एरिया को हम लोग कह सकते हैं गामा डाइवर्सिटी, एक सिटी गामा डाइवर्सिटी, या एक स्टेट गामा डाइवर्सिटी, या एक कंट्री छोटा सा एरिया है वो गामा डाइवर्सिटी। द फॉरेस्ट विद इन विच द प्लांट्स आर लोकेटेड एन एरिया ऑफ एपिसिलन डाइवर्सिटी, और एपिसिलन डाइवर्सिटी हो गया बहुत बड़ा एरिया, दैट इज जैसे कि फॉरेस्ट लार्ज एरिया, एपिसिलन डाइवर्सिटी। यूनिकनेस ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी में आता है, पूरे वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी है जिसमें कि एक इंडिया में है। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 10 बायोलॉजिकल बायोग्राफिकल रीजन्स, और पूरे कंट्री को 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। The wide varieties in physical features and climatic conditions have resulted in a wide diversity of ecological habitats such as forests, grasslands, rivers and wetlands, coastal and marine ecosystems and deserts which harbor and sustain immense biodiversity. Earth's region of mega diversity. The variety of life forms found in particular region forms the biodiversity. और जो लाइफ का जो फॉर्म्स होता है, जो अलग अलग वैरायटी जो होते हैं, वही आपको बायोडाइवर्सिटी को फॉर्म्स करते हैं।
A rough estimate shows that there are about 10 million species on the planet Earth, and at present we are aware only 1 or 2 million of them. एक रफ एस्टिमेट लिया गया है कि अबाउट 10 मिलियन स्पेसीज जो है वो अर्थ पर पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कितने को, ओनली 1 और 2 मिलियन को ही. रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी, द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हैव ए रिच डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. That is plants and animals and microorganisms. This is called the region of mega diversity. Of the biodiversity of the planet Earth, more than half is concentrated and in 12 countries, namely Brazil, Colombia, Ecuador, Peru, Mexico, Jere, Madagascar, Australia, China, India, Indonesia, and Malaysia.